नमस्कार दोस्तों, जेएस टेक में आपका हार्दिक स्वागत है। और विज्ञान का हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे दोस्तों, मानव तंत्र, उसके अंदर हम विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो है जितने भी मानव के अंदर तंत्र है उसके बारे में हम जो है पढ़ेंगे। पिछले जो चैप्टर था उसमें हमने जो है दोस्तों पाचन तंत्र के बारे में पढ़ा था। आज हमारा जो यहाँ टॉपिक है दोस्तों वह श्वसन तंत्र। दोस्तों सांस लेना जो है परम आवश्यक है हमारे लिए। सांसों के लेने के टाइम में या श्वसन के दौरान दोस्तों जो गैसों का आदान प्रदान होता है, तो श्वसन और श्वसन तंत्र जो पढ़ने से पहले दोस्तों हम श्वसन के बारे में जो पढ़ लेते हैं कि श्वसन क्या होता है। तो श्वसन दोस्तों होता है गैसों का जो है आदान प्रदान। ये दोस्तों गैसें कौन सी हो सकती है? ऑक्सीजन और CO2। अब ऑक्सीजन के साथ साथ दोस्तों शरीर के अंदर जो है नाइट्रोजन और CO2 कुछ मात्रा में और ऑक्सीजन तीनों प्रवेश करती है। और वापस हम जब इसको छोड़ते हैं तो नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन जो CO2 हो गया और ऑक्सीजन का जो हिस्सा है दोस्तों वो अधिकतर जो है हमारी कोशिकाओं द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि दोस्तों हमारे शरीर की सबसे जो छोटी संरचनात्मक और जो मूलभूत क्रियात्मक जो इकाई है दोस्तों वो कोशिका होती है, सेल्स होती है। तो दोस्तों ये सेल्स जो होती है समान कार्य करने वाली सेल्स मिलकर ऊतक का निर्माण करती है। ऊतक जो है दोस्तों अंगों का निर्माण करती है। अंग सारे मिलकर हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों अब ये जो कोशिकाएं होगी दोस्तों इनको ऊर्जा के लिए दोस्तों जो है भोजन पदार्थ चाहिए, जो हम कार्बोहाइड्रेट, वसा हो गया, प्रोटीन हो गया, सारे अंतर्ग्रहण करते हैं। तो दोस्तों इसके अलावा इन सब खाद्य पदार्थों का दोस्तों ऑक्सीकरण करना होता है, जो कि कोशिकाओं को क्या करते हैं? ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो ऑक्सीकरण दोस्तों ऑक्सीजन की सहायता से होता है। ऑक्सीजन जो होते हैं हम वातावरण से अंतर्ग्रहण करते हैं। तो दोस्तों ये प्रक्रिया और जो क्या होता है कि जो ऑक्सीजन अंदर हमारे शरीर में जो CO2 बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वो बाहर निकलती है। तो दोस्तों सांसों जो है जो ये गैसें हैं इनका जो आदान प्रदान है हमारे शरीर में लेना और वापस बाहर निकालना दोस्तों यह प्रक्रिया जो है श्वसन कहलाती है। जब हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है तो दोस्तों कोशिकाएं जो है ATP का निर्माण करती है, एडिनोशिन ट्राइफॉस्फेट जो अणुओं का निर्माण करती है जो इन कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो दोस्तों ये श्वसन की प्रक्रिया करने के लिए हमारे शरीर में विशिष्ट अंग बन रखे होते हैं जिसको श्वसन तंत्र कहते हैं। तो श्वसन तंत्र के बारे में हम यहाँ डीपली जानेंगे दोस्तों। आप बने रहिए मेरे साथ, पूरे वीडियो जो शुरू से एंड तक देखिए ताकि कोई भी चीज मिस नहीं हो जाए, क्योंकि एग्जाम में जो है बहुत बार इससे क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। दोस्तों मानव के श्वसन तंत्र की हम बात करें तो दोस्तों श्वसन तंत्र में जो है प्रमुख तीन भाग होते हैं। तो तीन भागों को हम पढ़ेंगे सीधी बाई सीधी। सबसे पहले हम देख लेते दोस्तों ऊपरी श्वसन तंत्र। ऊपरी श्वसन तंत्र जो है दोस्तों इससे जो ऊपर का हिस्सा, यहाँ आप चित्र देख सकते हैं जो श्वसन तंत्र के मुख्य भाग है, तो यहाँ से ये ऊपर का जो हिस्सा दोस्तों ये ऊपरी श्वसन तंत्र कहलाता है। अब ऊपरी श्वसन तंत्र होता है दोस्तों इसके खुद के जो है चार भाग होते हैं। चार भाग कौन कौन से होते हैं? नासिका हो गया, मुख हो गया, ग्रसनी हो गया, स्वर यंत्र या लेरिंग्स जो हो गया। अब इसमें दोस्तों पहले हम बात कर लेते हैं नासिका की। तो नासिका क्या होती है दोस्तों? नाक। आपने देखा हो हमारे शरीर के बाहर उभरा हुआ जो हिस्सा जो हमारे नाक या नासिका कहलाती है, इसमें दो द्वार होते हैं जिनसे हम हवा को अंदर ले सकते हैं, वापस बाहर निकाल सकते हैं। दोस्तों नासिका जो है हमारे शरीर का श्वसन का प्रथम अंग है, जो है श्वास में काम आता है। अब दोस्तों नासिका जो होता है मुख गुहा का जो है दोस्तों नासिका गुहा का पृष्ठ भाग नासा ग्रसनी में खुलता है। यहाँ से जो ये भाग जाता है दोस्तों अंदर जाके कहा नासा ग्रसनी, आप ये ग्रसनी देख सकते हो, यहाँ ये हमारे नाक के नासिका का जो अंदर का हिस्सा यहाँ से घूम के ग्रसनी में भी खुल जाता है। उसके बाद दोस्तों नासिका गुहा में पाए जाने वाले महीन बाल, आपने देखा होगा नाक के अंदर जो है छोटे छोटे जो बाल पाए जाते हैं, उसके अलावा झिल्लियां होती है दोनों साइड, और इसके अलावा इसमें कुछ जो पदार्थ स्रावित होता है श्लेष्म। तो दोस्तों इसका मुख्य कार्य क्या है कि हवा के साथ अंदर जाने वाले दोस्तों धूल मिट्टी होती है वातावरण में, तो वो धूल के कण जाते हैं, पराग के कण जाते हैं। तो दोस्तों ये क्या करता है श्लेष्म, ये नाक में जो बाल होते हैं ये सारे मिलके क्या करते हैं दोस्तों धूल के कण, पराग कण और फफूंद आदि को जो है यही ये रोक के रख लेते हैं। हमारे जो फेफड़ों तक है दोस्तों शुद्ध हवा को जो है ये भेजते हैं, नमी युक्त हवा को जो है ये भेजते हैं। तो दोस्तों इसका ये काम होता है। अब हम इसमें बात कर लेते हैं दोस्तों दूसरा जो हमारा हिस्सा होता है मुख। तो मुख दोस्तों द्वितीय अंग है कि हमको कभी जुकाम लग गया, सर्दी होगी, तो हम नाक से अगर सांस नहीं ले पा रहे तो हम मुख से सांस लेते हैं। मतलब प्रारंभिक ये जो है हिस्सा नहीं है सांस लेने का, श्वास श्वसन क्रिया करने का, ये द्वितीय हिस्सा है जो दूसरा हम जो यूज करते हैं। लेकिन आप देखोगे दोस्तों मुंह से जब सांस अंदर ली जाती है तो ये उतनी शुद्ध नहीं होती जितनी की नासिका से सांस ली जा रही है। तो इसका मतलब कुछ हवा के का जो है इसमें धूल के कण हो गया, पराग कण, फफूंद वगैरह जो है हमारे मुंह से अंदर जा सकती है फेफड़ों में, तो शुद्ध हवा नहीं जाती। तीसरा हम दोस्तों इसमें बात कर लेते हैं ग्रसनी। ग्रसनी देखिए दोस्तों ये वाला हिस्सा जो है
ये हमारा ग्रसनी कहलाता है, जहां से मुख और नाक जो दोनों जाके आगे मिलते हैं ये दोस्तों हिस्सा ग्रसनी कहलाता है। तो ग्रसनी दोस्तों एक पेशीय और चिमनी नुमा संरचना होती है। आप देख सकते हो ये जो एक चिमनी के जैसे जो आकार बना रहा है और ये मांसपेशियों की बनी हुई संरचना होती है। अब दोस्तों ग्रसनी के जो तीन भाग होते हैं, नासा ग्रसनी, आप देख सकते हो दोस्तों नासा ग्रसनी ये जो एक हिस्सा यहाँ से जो आ रहा है जो नाक के थ्रू जो अंदर जाता है, दूसरा इसमें दोस्तों मुख ग्रसनी होता है, मुख ये मुंह वाला हिस्सा जहां से भी ये अंदर मिल रहा होता है, और तीसरा होता है दोस्तों अधोग्रसनी या कंठ ग्रसनी, ये देखिए दोस्तों लेरिंग्स ये जो है ये यहाँ वाला हिस्सा, ये जो पूरा हिस्सा है ये कंठ ग्रसनी कहलाता है। दोस्तों कंठ ग्रसनी जो है ये होती है यहाँ पे, ये तीन इसके ग्रसनी के हिस्सा हो गया। चौथा जो दोस्तों इसका हिस्सा होता है वो होता है स्वर यंत्र या लेरिंग्स, दोस्तों ये वाले हिस्से यहाँ स्वर यंत्र लग रखे होते हैं। तो दोस्तों ये क्या होता है, दो जो है पतली मांसपेशियों की बनी हुई संरचना होती है ऐसे मेरे उंगली के जैसे दोस्तों चिपकी हुई। तो इसमें क्या होता है जो दोस्तों ये इसमें क्या होता है, ये नौ प्रकार की जो है उपास्थियों से बनी होती है दोस्तों। अब स्वर यंत्र के अंदर क्या होता है दोस्तों, स्वर रज्जु या वोकल क्रोड होते हैं। तो वोकल क्रोड क्या कहते हैं दोस्तों, हवा का जब बहाव अंदर जाता है तो ये कंपन उत्पन्न करते हैं। कैसे उत्पन्न करते हैं कि दो जैसे झिल्लियों के जैसे होगी दोस्तों, आप भी यहाँ महसूस करके देख सकते हो कि आप फोटो वगैरह को किसी को मत हिलाओ, आप केवल आवाज निकाल कर ऐसा करोगे तो आप दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे कि एक वाइब्रेशन हो रहा है दोस्तों। ये क्या होता है, दोनों ऐसे चिपके हुए होते हैं, जब इनके बीच में से ये पतली झिल्लियां होती है जो यहाँ से बीच में से दोस्तों जब हवा जा रही होती है तो हवा जा के टाइम क्या करती है दोस्तों, इसको कंपन करती है, और कंपन करने से दोस्तों हम क्या करते हैं, होठ हमारे दांत है जीभ है इन सबकी सहायता से हम क्या करते हैं दोस्तों, शब्द बनाते हैं, हम बोलते हैं। और दोस्तों इसका एक अलग ये काम और है कि ये क्या करते हैं दोस्तों, हमारा जो घाटी ढक्कन होता है उसके ये ऊपर आवरण का काम करती है। घाटी ढक्कन दोस्तों आपको पता ही होगा क्या होता है कि जो हम जो खाना खाते हैं दोस्तों उसको जो है फेफड़ों में जाने से रोकते हैं, उसका जो है वहां जो है बहाव को जो रोकता है, केवल जो है कंपन उत्पन्न करते हैं जिससे हम बोल पाते हैं। दोस्तों जो हमारे श्वसन तंत्र था उसका दूसरा हिस्सा देख, दूसरा पार्ट देख लेते, दूसरा भाग कौन सा दोस्तों, वो निचला श्वसन तंत्र कहलाता है। मतलब एक तो ये इससे ऊपर ऊपर हो गया, ये श्वसन तंत्र हो गया ऊपर वाला, और उसके बाद निचला श्वसन तंत्र मतलब यहाँ से लेके ये नीचे वाले जिसके बारे में हम यहाँ बातें करेंगे। तो दोस्तों निचला श्वसन तंत्र में क्या होती है, श्वास नली ये हम देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो श्वास नली जा रही है, उसके अलावा श्वसनी ये जो दोस्तों दोनों तरफ जो बढ़ रही है ये श्वसनी होगी, उसके बाद क्या श्वसनिका है ये दोस्तों यहाँ से जो सेकेंडरी ये छोटे 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 इधर जा रही है श्वसनिका है, उसके बाद दोस्तों कुंभिका ये जो छोटे छोटे गोले गोले आपको दिख रही है कुंभिका, और फेफड़ा तेल जो है एक फेफड़ा है दूसरा फेफड़ा दोनों यहाँ निर्माण कर रहे हैं दोस्तों। ये सारे भाग जो है जो सेकेंड पार्ट जो है निचला श्वसन तंत्र उसके अंतर्गत पाए जाते हैं। अब दोस्तों हम पहले बात कर देते हैं श्वास नली की। श्वास नली दोस्तों ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक आपको जो डॉट 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 ये लाइनें जितनी भी दिख रही है ये सारी क्या है श्वास नली हमारी कहलाती है दोस्तों। ये इसकी लंबाई जो होती है 5 सेंटीमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लंबाई है दोस्तों 5 सेंटीमीटर होती है। ये कूट स्तरीय पक्षमापी स्तंभाकार उपकला द्वारा लेके सी आकार के उपास्थि छल्लों से बनती है दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे ये जो छल्ले दिख रहे हैं या आप भी यहाँ से जो महसूस करके हाथ लगा के देख सकते हो ये सी टाइप के जो छल्ले होते हैं ये क्या करते हैं दोस्तों श्वास नली को मतलब फैला के रखते हैं, आपस में जो है दोस्तों इसको चिपकने से रोकते हैं ताकि हवा का जो आदान प्रदान है वो सुगमता से हो जाए। उसके बाद दोस्तों ये स्वर यंत्र को मतलब स्वर यंत्र ये हो गया उसको क्या है श्वसनिका से ये मिलाती है जो है हमारी श्वास नली जो है। उसके बाद दोस्तों वक्षगुहा में श्वास नली दो भागों में बढ़ जाती है। ये वक्षगुहा आगे दोस्तों यहाँ से जो हमारे यहाँ फेफड़े लग रखे होते हैं सीने में जाने के बाद क्या होती है दो हिस्सों में बढ़ जाती है, एक हिस्सा लेफ्ट में एक हिस्सा राइट में आ जाता है दोस्तों। ये जो कहलाती है श्वसनी कहलाती है, श्वसनी या ब्रोंकाई जिसको कहते हैं वो कहलाती है। उसके बाद दोस्तों हम श्वसनी वे श्वसनिकाओं की बात करें तो श्वसनी दोस्तों यहाँ से जहाँ श्वास नली आके दो हिस्सों में बढ़ जाती है ये हिस्सा देखिए एक हिस्सा इधर जा रहा है एक हिस्सा इधर जा रहा है, ये दोनों हिस्से दोस्तों श्वसनी या ब्रोंकाई कहलाती है। तो उसके बाद में और श्वसनिका की हम बात करें तो दोस्तों ये बाद में जो भी छोटी 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 आपको सांपों के रूप में दिख रही है श्वसनिका इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं दोस्तों। प्राथमिक श्वसनी जो फेफड़ों में जाकर छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है जिसे द्वितीय श्वसनिका कहते हैं दोस्तों। ये देखिए ये प्राथमिक ये वाला हिस्सा जो एक बड़ा हिस्सा दिख रहा है वो तो प्राथमिक है, उसके बाद बड़े से दोस्तों एक ये एक ये एक ये एक ये ये दिख रहा है आपको दोनों तरफ आप देख सकते हो, ये प्राथमिक वाली होगी फिर एक ये जो इसकी शाखाएं निकल रही दोस्तों द्वितीय श्वसनी कहलाता है। और द्वितीय श्वसनी जो आगे चल के तृतीय श्वसनी में देखे दोस्तों द्वितीय ये मेन पार्ट जा रहा है इससे ये बढ़ ये 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 सारे तृतीय जो श्वसनी का कहलाती है।
और जो तृतीय श्वसनिका है जो है दोस्तों आगे जाके जो है छोटे छोटे श्वसनिका जिनको ब्रिंकियोल्स जो है दोस्तों कहते हैं, ये आप छोटे छोटे ये देख सकते हैं, ये ब्रिंकियोल्स जो है दोस्तों वो कहलाते हैं, उसमें बढ़ जाते हैं ब्रिंकियोल्स, आगे चल के छोटी सीमांत ब्रिंकियोल में विभक्त हो जाती है, जो सभी मिलकर दोस्तों क्या वृक्षनुमा, ये देखिए दोस्तों ये जो इधर आ रहे हैं, आप अगर इसको यूं उल्टा कर दो तो आपको जैसे ये पेड़ का जो है शाखा होगी, उसके बाद दोस्तों ये और अलग अलग शाखाएं आ रही, ये पत्ते वगैरह जो लग रहे हैं दोस्तों ये पेड़ के नुमा संरचना बनाते हैं। हम वापिस देख ले श्वास नली जो यहाँ से ये जा रही, उसके बाद ये दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं जिससे श्वसनिका कहते हैं, ये प्राथमिक श्वसनिकाएं कहलाती है, यहाँ से फिर ये जो छोटी छोटी शाखाएं निकल गई दोस्तों ये द्वितीयक श्वसनिकाएं कहलाती है या द्वितीयक जो है ब्रोंकाई कहलाती है। उसके बाद दोस्तों ये और जो यहाँ से जा रही है तृतीयक जो है ब्रोंकाई या श्वसनी कहलाती है, तृतीयक श्वसनिकाएं जो दोस्तों आगे जाके छोटे छोटे ये जो निर्माण करती है और शाखाएं निकल रही है वो श्वसनिकाएं ब्रिंकियोल्स जो दोस्तों कहलाते हैं। ये सभी मिलकर क्या करते हैं, वृक्षनुमा संरचना बनाते हैं, पेड़ की जैसी संरचना बनाते हैं दोस्तों। अब होता है कि इन शाखाओं के अंतिम छोर पर, अंतिम सिरे पर दोस्तों छोटे छोटे आप देख लीजिए, ये आपको दिख रहे हैं ये जो गोल 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 बना रखे ये छोटे, ये देखिए ये सारे है, इधर भी है इधर भी है, ये दोस्तों ये कूपिकाएं कहलाती है। तो जो गैसों का जो विनिमय आदान प्रदान दोस्तों ज्यादातर जो है कूपिकाओं से ही जो है होता है, गैसों का मतलब ये यहाँ से ओटू जो है इसके चारों तरफ दोस्तों रक्त की जो छोटी छोटी सिराएं होती है, रक्त की नलियां लग रखी होती है और इनकी जो है दोस्तों ये इतनी पतली झिल्ली से बन रखी होती है, यहाँ से गैसों का जो आदान प्रदान है वो जो है जल्दी से हो जाता है, सुचारू रूप से हो जाता है। तो यही सारा जो है दोस्तों इन छोटी छोटी कूपिकाओं से ही जो है गैसों का आदान प्रदान होता है। हमारा जो रक्त है, रक्त की जो कोशिकाएं है दोस्तों वो क्या करती है, O2 तो यहाँ से ले लेती है और CO2 वापस इसमें दे देती है जो हम सांस के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। अब उसके बाद दोस्तों आगे हम बात करें फेफड़े, तो हमारे पास दोस्तों एक जोड़ा फेफड़ा हो गया, एक ही फेफड़ा हो गया, एक ही हो गया। अगर मैं ऐसे खड़ा रहकर बताऊं तो ये दोस्तों राइट हैंड वाला जो है दायां फेफड़ा हो गया, लेफ्ट हैंड वाला बायां फेफड़ा हो गया, जैसे कि आप चित्र में देख सकते हो, ये ऐसे ये लेफ्ट हैंड वाला हो गया, ये राइट हैंड वाला मतलब बायां और दायां। तो इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं दोस्तों, ये क्या होता है, ये लचीले कोमल और हल्के गुलाबी रंग के होते हैं अगर हम इनकी बात करें दोस्तों। और ये इसमें आगे हम बात कर लेते हैं, ये असंख्य श्वास नलियों, कूपिका और रक्त वाहिनियों, लसिका वाहिनियों, लचीले तंतुओं, झिल्लियों तथा अन्य कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। इसमें खूब सारी जो है छोटी 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 चीजें अंदर बन रखी होती है दोस्तों। इसके हम बात करें दोस्तों, दाहिना फेफड़ा बाएं की तुलना में लंबाई में छोटा और अधिक चौड़ा होता है, कौन सा, दाया फेफड़ा, ये फेफड़ा जो होता है ये जो होता है दोस्तों लंबाई में छोटा और चौड़ाई में ज्यादा होता है। क्यों होता है, क्योंकि दोस्तों इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आप देखोगे हमारा दिल होता है, हार्ट भी होता है, तो उसको भी जगह चाहिए होता है, इसलिए हमारा बायां फेफड़ा जो है दोस्तों थोड़ा छोटा रह जाता है और लेफ्ट वाला जो सॉरी राइट वाला जो फेफड़ा दोस्तों वो चौड़ाई में ज्यादा रह जाता है, जबकि लेफ्ट हैंड वाला या बायां जो फेफड़ा होता है वो थोड़ा छोटा रह जाता है। उसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं कि पुरुषों के फेफड़े स्त्रियों के फेफड़ों की तुलना में बड़े होते हैं, हम आदमियों की बात करें तो उनके जो फेफड़े हैं वो औरतों के या स्त्रियों के फेफड़ों की तुलना में थोड़े बड़े होते हैं। उसके बाद देखते हैं बायां फेफड़ा जो है दो खंडों में तथा दायां फेफड़ा तीन खंडों में विभाजित होता है, बायां कौन सा, ये वाला, ये जो है दोस्तों बायां जो है दो खंडों में विभाजित होता है, दो भागों में विभाजित होता है और दाहिना ये वाला जो है तीन खंडों में विभाजित होता है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं, प्रत्येक फेफड़ा स्पंजी ऊतकों से मिलकर बना होता है, स्पंजी स्पंज टाइप के आपने देखा होगा, स्पंजी इसको प्रेस करके छोड़ दो, वैसे जो है ऊतकों से मिलकर बना रहा होता है जिसमें कई केशिकाएं तथा करीब 30 मिलियन के लगभग कूपिकाएं पाई जाती है, 30 मिलियन 30 लाख इसको कहते हैं दोस्तों, ये ऐसे छोटे 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 ये जो डॉट डॉट दिख रही है 30 मिलियन होते हैं और इसमें बहुत सारी जो है तो दोस्तों केशिकाएं होती है, केशिका जो होती है दोस्तों बिल्कुल महीन जो है, हम धागे को एक एग्जांपल के रूप में ले सकते हैं जिसमें जो है पानी जो है वो चढ़ सकता है, वो केशिकाएं कहलाती होती है। ऐसे फेफड़ों में दोस्तों ये बहुत सारी चीजें होती है दोस्तों। हम यहाँ जो हमारा तीसरा हिस्सा उसके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों, श्वसन की मांसपेशा, श्वसन मांसपेशा दोस्तों ये क्या क्या जो है यूज करती है दोस्तों, सबसे पहले तो होता है श्वसन मांसपेशियों की आवश्यकता गैसों के विनिमय के लिए आवश्यक होती है, मतलब गैसों का आदान प्रदान, वातावरण से जो हमने O2 लिए वो रक्त तक पहुंचाना और रक्त के से जो CO2 वापस लाए वो वापस वातावरण में छोड़ने के लिए ये गैसों का आदान प्रदान दोस्तों श्वसन मांसपेशियों के द्वारा होता है। अब दोस्तों श्वसन जो है मध्यपट या डायफ्राम के फैलने ये सिकुड़ने से होता है, दोस्तों ये मध्यपट हो गया डायफ्राम जो हम यहाँ देख सकते हैं फेफड़ों के यहाँ नीचे होता है दोस्तों, जैसे हम सांस अंदर भरते हैं तो ये फैलता है और सिकुड़ता है दोस्तों बाहर निकालते टाइम, ये तो जो हमारे पसलियां हैं इनकी मांसपेशियों से जुड़ा रहता है जो दोस्तों ये सिकुड़ता है फिर फैलता है फिर सिकुड़ता है फिर फैलता है, इसके कारण क्या दोस्तों हवा का जो है अंदर आदान प्रदान होता है। अब इसके दोस्तों फैलने से जब ये दोस्तों पूरा ये फैल जाता है तो हवा जो है बाहर निकलती है और जब ये दोस्तों सिकुड़ जाता है तो वो क्या करती है उस टाइम हवा जो है अंदर जाती है O2 युक्त, तो इसमें तो जो दोस्तों हवा
हवा अंदर जाएगी तो ये O2 लेके जाएगी और बाहर आएगी तो दोस्तों ये CO2 जो है यहाँ से वापिस छोड़ेगी। उसके बाद दोस्तों हम देख लेते हैं ये बात तो हो गई श्वसन की क्रिया विज्ञान, श्वसन में आखिर प्रक्रिया होती क्या, ये कैसे काम करता है। तो दोस्तों वायु संचालन के लिए श्वसन तंत्र वायुमंडल, दोस्तों वायु का अंदर बाहर जाने के लिए क्या करेगा, हमारे चारों ओर का जो वायुमंडल में उसकी हवा देगा तथा कुपिकाओं के मध्य ऋणात्मक दबाव प्रवणता तथा मध्य पट के संकुचन का उपयोग होता है। दोस्तों वातावरण में जो है हवा का दबाव कितना है, हमारे फेफड़ों में जो हवा का दबाव कितना है, उसके आधार पर ही डिसाइड होता है कि हवा अंदर जानी है या बाहर आनी है। और दूसरे जो फेफड़े यहाँ काम करता है दोस्तों, इसके डाइफ्राम पे जो है फैलने या सिकुड़ने के जो मैंने दोनों यहाँ बता दिए, उसके आधार पर डिसाइड होता है कि हवा जो है अंदर जाएगी या बाहर आएगा। दोस्तों श्वसन की जो प्रक्रिया है ये पूरी दो स्तरों पर जो है संपन्न होती है, दो में। पहला हो गया दोस्तों बाह्य श्वसन, जब हम हवा को जो बाहर निकाल रहे होते हैं, जो हवा का दोस्तों अंदर बाहर से कुछ नहीं, बाह्य श्वसन और आंतरिक श्वसन। तो दोस्तों बाह्य श्वसन में यहाँ क्या काम करेंगे दोस्तों, देखिए होता तो दोनों में गैसों का आदान प्रदान है, लेकिन बाह्य श्वसन में क्या होता है, इसमें दोस्तों गैसों का जो विनिमय हवा से भरी कुंपिका है, क्या हो गया दोस्तों, ये हवा से भरी ये कुंपिका, ये छोटे छोटे जो कुंपिका आपको डॉट डॉट दिख रही, इनमें जब हवा अंदर लेते टाइम जो भर जाती है और केशिकाओं में प्रवाहित रक्त, दोस्तों इसके चारों तरफ जो है पतली पालनुमा छोटी छोटी जो है रक्त की केशिकाएं होती है खूब सारा दोस्तों, उनमें यहाँ देखिए आप ये जैसे ये रक्त की केशिकाएं होगी दोस्तों, इन फेफड़ों के चारों तरफ ये खूब सारी यहाँ होगी, तो उनमें और इन छोटी छोटी कुंपिकाओं में जो गैसों का आदान प्रदान है, और वो क्यों होता है दोस्तों, आंशिक दबाव के कारण ये जो गैसों का आदान प्रदान होता है दोस्तों, वो बाह्य श्वसन कहलाता है। और आंतरिक श्वसन क्या कहलाता है दोस्तों, इसमें गैसों का विनिमय केशिकाओं तथा प्रवाहित रक्त तथा उत्तकों के मध्य विसरण के माध्यम से होता है। अब दोस्तों ये जो केशिका इधर शरीर के जो है विभिन्न हिस्सों में जा रही, छोटी छोटी जो रक्त की नलियां है, ये केशिका यहाँ से जो ऑक्सीजन लेके चलेगी, अब इन केशिकाओं से जो दोस्तों ऑक्सीजन जो है या जो गैस है उसका आदान प्रदान किस में हो गया, एक तो रक्त में हो गया, रक्त कहाँ जा रहा है, उत्तकों तक, कोशिकाओं तक जा रहा है, तो वो उत्तकों के मध्य में जो गैसों का आदान प्रदान है वो होता है दोस्तों जो आंतरिक श्वसन में। तो ये श्वसन तंत्र की जो दोस्तों प्रमुख क्रियाएं थी, इनके कौन कौन से भाग है वो सारे हमने पढ़ने स्टार्ट किया, फिर से एक बार नक्शल में छोटे से रूप में देख लेते, नाशिका से ये स्टार्ट होता है दोस्तों जो प्राथमिक अंग है, उसके बाद जो मुख है वो द्वितीय अंग है, कभी कभी हम यूज करते हैं, तो यहाँ से हवा ग्रसनी में होती हुई लेरिंग्स जो वोकल क्रोड होते हैं जहाँ से जो है आवाज आती है, वहां से होती हुई जहाँ पे घटी ढक्कन भी लग रखा था वहां से होती है, श्वास नली में प्रवेश करती है दोस्तों, ये 5 सेंटीमीटर लंबी होती है श्वास नली, के बाद आगे जाके दोस्तों जो है ये 2 हिस्सों में बढ़ जाती है श्वास नली, जो श्वसनी कहलाती है दोस्तों, प्राथमिक श्वसनी कहलाती है। उसके बाद ये जो हिस्सा आप इधर देख रहे हो ये द्वितीयक श्वसनी कहलाती है, यहाँ से जो और मिल रहा है ये तृतीयक श्वसनी कहलाती है, और उसके बाद दोस्तों ये छोटे छोटे जो आप डॉट देखते हो ये कुंपिकाएं कहलाती है, जहाँ रक्त की केशिकाओं द्वारा जो है गैसों का आदान प्रदान होता है। उसके बाद दोस्तों ये फेफड़े जो दो है, ये बायां और ये वाला दायां, ये दोनों, तो दोस्तों बायां जो इधर दिल होता है वो थोड़ा छोटा होता है, बायां जिधर दिल नहीं होता दोस्तों वो थोड़ा लंबाई में चौड़ा होता है। और उसके बाद दोस्तों मध्य पट है, ये पेट की जो मांसपेशियों से जुड़ा रहता है दोस्तों, इसके फैलने सिकुड़ने से क्या है, हवा का आदान प्रदान होता है, जब फैलता है तो हवा बाहर आती है, सिकुड़ता है तो हवा अंदर आती है। दोस्तों ये श्वसन तंत्र का जो है बेसिक क्रोनोलॉजी थी जिसको मैंने अच्छे से समझाया है। आपको वीडियो कैसा लगा आप दोस्तों कमेंट और लाइक करना ना भूलें, और अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके साथ ही अगर दोस्तों चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है बेल आइकन दबा दें ताकि अगला जो वीडियो आने वाला है जल्दी से आप तक पहुंचे। मिलते हैं कल एक फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।